देखो यार, अगर तुम लोग ड्रू मैकइंटायर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस ड्रू मैकइंटायर के WWE में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बैकस्टेज से बहुत बड़ी आ रही गए। WWE के सर्वाइवर सीरीज पर जॉन सीना के पॉसिबल अपीयरेंस को लेकर WWE के प्लान रिवील हो चुके गए। लोगन पॉल के WWE पर चैंपियन बनने के बाद अब जैक पॉल भी WWE पर डेब्यू करेंगे। CM Punk के WWE पर रिटर्न सिचुएशन को लेकर WWE के बैकस्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। WWE के जर्मनी और फ्रांस में पेपरव्यू कंफर्म करने के बाद अब मेक्सिको के अंदर भी WWE का पेपरव्यू होने वाला है। तो गाइस, वहीं क्राउन ज्वेल पेपरव्यू के मेन इवेंट को किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, इसको लेकर भी काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे क्राउन ज्वेल के मेन इवेंट की। बोले, ये चीज तो हम सभी लोगों ने WWE के क्राउन ज्वेल पर देखा। इस साल WWE के क्राउन ज्वेल पेपरव्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर रोमन रिंग्स और एलए नाइट के बीच में WWE का यूनिवर्सल वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर पेपरव्यू के एंडिंग के ऊपर रोमन रिंग्स एलए नाइट को हराकर उनका टाइटल रिटेन करते गए। बट गाइज, अब यहां पर इस मैच को किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, इसको लेकर काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आ रही गए। गाइज, यहां पर वैसे तो नॉर्मली WWE के अंदर रोमन रिंग्स और ब्लड लाइन के जितने मैचेज और स्टोरी लाइन होती गए वो यहां पर WWE के हायर प्रोड्यूसर माइकल हेस के द्वारा बुक किया जाता है। बट गाइज, इस बार जब WWE के क्राउन ज्वेल के ऊपर रोमन रिंग्स का मेन इवेंट हो रहा था, तो गाइज इस मैच को माइकल हेस के द्वारा प्रोड्यूस न करके बल्कि इंपैक्ट रेसलिंग के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन द मॉन्स्टर एबॉस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। और गाइज, अगर आपको नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, 2016 में इंपैक्ट रेसलिंग को लीव करने के बाद पिछले 8 सालों से एबॉस यहां पर WWE के अंदर प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और गाइज, इस हफ्ते जब WWE ने क्राउन ज्वेल पेपरव्यू किया तो गाइज रोमन रिंग्स और एलए नाइट के इस पूरे मैच को द मॉन्स्टर एबॉस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया बात है। वेल गाइज, ये तो बात थी क्राउन ज्वेल पेपरव्यू के मेन इवेंट की। बट गाइज, जहां तक बात रही क्राउन ज्वेल की, तो गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। WWE के क्राउन ज्वेल पर ड्रू मैकइंटायर और सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड टाइटल मैच के अंदर ड्रू मैकइंटायर को क्लीन हार का सामना करना पड़ा था। और यही मैकइंटायर के क्राउन ज्वेल पर हार जाने के बाद अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ड्रू मैकइंटायर पॉसिबली WWE कंपनी को लीव करके AEW कंपनी को ज्वाइन कर सकते गए। बट गाइज, यही अभी हफ्ते WWE के बैकस्टेज से ये अपडेट आ रही है कि ड्रू मैकइंटायर पॉसिबली WWE के अंदर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और गाइज, यहां पर BWE का ये दावा करना है कि WWE ने रिसेंटली मैकइंटायर को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया था, और WWE के इस ऑफर के बाद मैकइंटायर ने WWE के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। वेल गाइज, क्योंकि अभी तक ये रिपोर्ट सिर्फ रूमर के तौर पर आ रही है, तो गाइज ये कहना काफी मुश्किल होने वाला है कि मैकइंटायर ने सच में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या नहीं। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के मेक्सिको में ब्रांड न्यू पेपरव्यू की। वेल गाइज, बात करें यहां पर WWE के मेक्सिको में पेपरव्यू की, तो गाइज वैसे तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, WWE अगले साल यहां पर फ्रांस और जर्मनी जैसे कंट्रीज के अंदर उनका डेब्यू पेपरव्यू करने वाली गए। और यही फ्रांस और जर्मनी के बाद अब WWE के मेक्सिको में पेपरव्यू करने को लेकर भी बैकस्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइज, इस हफ्ते WWE के बैकस्टेज से अपडेट आ रही गए कि पॉसिबली अगले साल WWE कंपनी सिएटल डी मेक्सिको अरीना में उनका पेपरव्यू कर सकती गए। और अगर आपको इस अरीना के बारे में नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, मेक्सिको की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी लुचा लिब्रे AAA उनका साल का बिगेस्ट पेपरव्यू हर साल इसी अरीना के अंदर करती गए। और गाइज, अगर यहां पर WWE अगले साल इस अरीना में उनका पेपरव्यू करती गए तो गाइज WWE के शो पर 20,000 से 25,000 लोग आने वाले गए। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प है कि WWE सच में इस अरीना में पेपरव्यू करती है या नहीं। और गाइज, जहां तक बात रही WWE के पेपरव्यूज की, तो गाइज यही अब WWE के इस हफ्ते क्राउन ज्वेल पेपरव्यू के बाद WWE के अगले पेपरव्यू सर्वाइवर सीरीज के ऊपर जॉन सीना के पॉसिबल अपीयरेंस को लेकर भी नई रिपोर्ट सामने आ रही है। वेल गाइज, ये चीज तो हम सभी लोगों ने क्राउन ज्वेल पर देखी। WWE के क्राउन ज्वेल पर जॉन सीना के सोलो सकुआ से नीट एंड क्लियर हार जाने के बाद बहुत सारे लोगों का ये दावा करना है कि जॉन सीना पॉसिबली WWE कंपनी को एक बार फिर से लीव करने वाले गए। क्योंकि गाइज, जिस तरीके से क्राउन ज्वेल पर जॉन सीना के मैच को हार जाने के बाद वो यहां पर क्राउड को देख रहे थे, उस चीज को देखकर बहुत सारी रूमर चल रही गए कि सीना पॉसिबली WWE को दोबारा लीव करने वाले गए। बट गाइज, यहीं अब WWE के अगले पेपरव्यू सर्वाइवर सीरीज पर सीना के पॉसिबली अपीयर होने को लेकर बैकस्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइज, यहां पर WWE के बैकस्टेज से अपडेट आ रही गए कि सर्वाइवर सीरीज के पेपरव्यू के मात्र 20 दिन बचे होने के बाद भी अभी तक WWE के सर्वाइवर सीरीज पेपरव्यू के ऊपर जॉन सीना को लेकर WWE की कोई भी प्लानिंग नहीं गए। और गाइज, इस समय WWE के
बैक स्टेज के ऊपर सीना के सवावे शरीर पर अपियर होने को लेकर कोई भी बातें नहीं चल रही गई। वेल गाइस, ये तो देखने वाला टाइम बताएगा कि सीना यहाँ पर WWE के सवावे शरीर पर काम करते हैं या नहीं। बट गाइस, आपको क्या लगता है, WWE को सवावे शरीर पर सीना को बुक करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेक पॉल के पॉसिबल WWE डेब्यू की। वेल, WWE के क्राउन ज्वेल पे पर व्यू के ऊपर लोगन पॉल के WWE के ब्रांड न्यू US चैंपियन बनने के बाद अब यही लोगन पॉल के इंटरव्यू के अंदर लोगन पॉल ने उनके ब्रदर जैक पॉल के WWE पर डेब्यू को लेकर बात की। यहां पर लोगन पॉल का यह कहना है कि लोगन पॉल को यह कभी भी नहीं लगा था कि वो यहां पर WWE के अंदर WWE के किसी टाइटल को हेल्ड करेंगे। बट गाइस, अब जबकि लोगन पॉल WWE पर चैंपियन बन चुके हैं तो वो यहां पर उनके फ्यूचर के लिए काफी एक्साइटेड है। और जहां तक बात रही लोगन पॉल के ब्रदर जैक पॉल के पॉसिबल रेसलिंग डेब्यू की, तो गाइस यहां पर लोगन पॉल को नहीं लगता है कि फिलहाल यहां पर जैक पॉल WWE के ऊपर डेब्यू करेंगे, क्योंकि गाइस इस साल जैक पॉल उनके बॉक्सिंग मैचेस को लेकर काफी बिजी गए। बट गाइस, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि जैक पॉल WWE के शो पर फ्यूचर में अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि गाइस लोगन पॉल का ये कहना है कि WWE के अंदर अगर कभी भी लोगन पॉल को बैकअप की जरूरत पड़ेगी तो गाइस लोगन पॉल उनके ब्रदर जैक पॉल को कॉल करने वाले गए, और फ्यूचर में डेफिनेटली WWE के अंदर फैंस को जैक पॉल का डेब्यू देखने को मिल सकता है। वेल गाइस, आप लोग जैक पॉल का WWE पर डेब्यू देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं CM Punk के पॉसिबल WWE रिटर्न की। वेल गाइज, ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी Elite Mania के वीडियो में बता चुका हूँ कि CM Punk के WWE पर रिटर्न होने को लेकर इस हफ्ते सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी रूमर चल रही गए। और गाइज, बहुत सारे लोगों का दावा करना है कि इस हफ्ते CM Punk और WWE के मैनेजमेंट के बीच में पंक के रिटर्न के बात करने को लेकर मीटिंग होने वाली गए, और इसी हफ्ते CM Punk WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ उनके रिटर्न को लेकर मीटिंग करने वाले गए। और यहीं सोशल मीडिया पर इन सारे रूमर्स के बाद अब फाइनली Fightful Select की तरफ से CM Punk के रिटर्न को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर Fightful Select का यह दावा करना है कि CM Punk WWE के शो पर रिटर्न नहीं करने वाले गए। बट गाइस, WWE के बैक स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि CM Punk WWE पर रिटर्न करने वाले गए, क्योंकि गाइस WWE के बैक स्टेज के ऊपर इस हफ्ते काफी सारे लोग CM Punk को लेकर बात कर रहे थे। और गाइस, WWE के बैक स्टेज पर भी रेसलर्स का यही मानना है कि WWE कंपनी पॉसिबली CM Punk के साथे बातें करने वाली गए। और गाय WWE के अंदर काफी सारे रेसलर्स का ये कहना है कि पहले यहां पर रेसलर्स को नहीं लगा था कि CM Punk WWE के ऊपर वापस आएंगे, बट गाइस अब यहां पर रेसलर्स को भी यही लगता है कि CM Punk कंपनी पर वापस आ रहे गए। और गाइस, इस समय WWE के बैक स्टेज के ऊपर CM Punk के रिटर्न को होने को लेकर काफी सारी बातें चल रही गए। वेल गाइस, अब ये तो बस आने वाला टाइम बताएगा कि CM Punk रिटर्न होंगे या नहीं। बट गाइस, आपको क्या लगता है, WWE को Punk को वापस लाना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।